नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 3 आतंकवादी ढेर, 1 पुलिसकर्मी शहीद। बिहार में मुजफ्फरपुर के पालिका आश्रय गृह में यौन शोषण के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू बेल्जियम में एशिया यूरोप शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए ब्रसेल्स रवाना। केरल में शबरीमला मंदिर में प्रत्येक उम्र की महिलाओं के प्रवेश के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। आयरलैंड की अन्ना बर्न्स को उनके उपन्यास मिल्कमैन के लिए 2018 का मैन बुकर पुरस्कार दिया जाएगा। और खेलों में भारतीय एथलीट प्रवीण चित्रवाल ने अर्जेंटीना में समर यूथ ओलंपिक में ट्रिपल जंप में कांस्य पदक जीता। दोपहर समाचार के साथ मैं विमलेंदु पांडे। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के फतेह कदल इलाके में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 3 आतंकवादी मारे गए। मुठभेड़ में 1 पुलिसकर्मी भी शहीद हो गए हैं। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और पुलिस के जवानों ने आतंकवादियों के छिपे होने का सुराग मिलने पर इस इलाके में कार्रवाई की। सुरक्षा बलों पर एक मकान के अंदर से गोलियां चलाई गईं। जवाबी कार्रवाई में ये आतंकवादी मारे गए। आकाशवाणी से बातचीत में श्रीनगर के पुलिस महानिरीक्षक स्वयं पाणी प्रकाश ने बताया, स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन पे फतेह कदल एरिया में कॉर्डन हुआ था। एक घर पे कॉर्डन सर्किट चल रही थी तो वहाँ पे फायरिंग हुई। अंधाधुन फायरिंग पे 3 बॉडी रिकवर की गई है और उनकी पहचान अभी की जा रही है। और इस मुठभेड़ में एक जवान जो है पुलिस का है, उनकी भी शहादत रही है। बिहार में मुजफ्फरपुर के बालिका आश्रय गृह की 34 लड़कियों के कथित यौन शोषण के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन का मामला दर्ज किया है। सीबीआई की एफआईआर का संज्ञान लेते हुए निदेशालय जांच करेगा कि आश्रय गृह के लिए धन कहां से आ रहा था और उसका कैसे इस्तेमाल किया जा रहा था। सीबीआई जल्द ही आरोपियों के नाम समन जारी करेगी, जिनमें आश्रय गृह के मालिक ब्रजेश ठाकुर भी शामिल हैं। इस आश्रय गृह में 30 से ज्यादा लड़कियों के साथ दुष्कर्म किया गया। डिजिटल इंडिया अभियान से मेघालय के लोगों में जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इलेक्ट्रॉनिक सेवाओं, उत्पाद विनिर्माण और रोजगार के अवसरों के समावेशी विकास के दृष्टिकोण के साथ 2015 में इस अभियान की शुरुआत की थी। इस अभियान में 3 प्रमुख पहलुओं, प्रत्येक नागरिक के लिए डिजिटल सुविधाएं, सुशासन और जरूरी सेवा उपलब्ध कराने पर ध्यान दिया जा रहा है। पेश है हमारी शिलंग संवाददाता की ये ग्राउंड रिपोर्ट। केंद्र सरकार के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम से मेघालय के लोगों को डिजिटली रूप से सशक्त बनाने में बहुत मदद मिल रही है। इसका उद्देश्य देश की अर्थव्यवस्था को डिजिटली सक्षम बनाना है। बहुत से लोग इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। डिजिटल इंडिया योजना के बारे में मेघालय के पश्चिम जयंतिया जिले के लाभार्थी जॉय लामरे ने अपने विचार साझा किए। मेरे कुछ पड़ोसियों और दोस्तों ने मुझे इस सेवा केंद्र के बारे में बताया। इससे मुझे काफी लाभ हुआ है। बिना जिला मुख्यालय गए मैंने अपने अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, आधार आदि के लिए आवेदन किया। कॉमन सर्विस सेंटर के मालिक बोही सुमेर ने कहा कि इस योजना ने लोगों की कई तरह से मदद की है। डिजिटल सेवा के अंतर्गत बिजली बिल, फ्लाइट टिकट बुकिंग, पैन कार्ड आदि का भुगतान ऑनलाइन किया जाता है। बहुत से लोग यहां अपने बिजली बिल का भुगतान करने आते हैं और किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आती, क्योंकि हम उन्हें रसीद भी देते हैं। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम आंदोलन बन गया है। इससे मेघालय के लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहा है। श्रीलंग से एम रुस्तम सिंह की रिपोर्ट के साथ दिल्ली से मैं कनकलता। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू बेल्जियम में एशिया यूरोप शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज ब्रसेल्स के लिए रवाना हो गए। श्री नायडू कल से शुरू हो रहे 2 दिन के सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। पेश है हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट।
शिखर सम्मेलन व्यापार, निवेश, सुरक्षा और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में एशिया और यूरोप के बीच बातचीत और सहयोग के लिए सबसे बड़ा मंच है। उपराष्ट्रपति सम्मेलन के दौरान विभिन्न देशों के प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। श्री नायडू एंटवर्प बेल्जियम में भारतीय प्रवासियों को जैन कल्चरल केंद्र में संबोधित करने के अलावा महात्मा गांधी की मूर्ति पर पुष्प श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। तारिक रात्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर भी लॉग कर सकते हैं। पहले ये बताओ, हाथ किस किसने धोया है? किसी ने नहीं। चलो तुम्हारे हाथों में जादू चलाते हैं। हे, सबसे पहले होता है हाँ, फिर हाथ पे नाचे शपथ, हाथ पे होता फिर और फिर घूम के आगे पीछे है, खेलो 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 तब और फिर चलाओ नाखूनों का, हाथ करे फिर पानी में छम 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 छम, क्योंकि सांप हाथ में ही है। बच्चों, अपने हाथों को सही तरीके से साफ करो, खास करके खाने से पहले, और साफ हाथों का दम आजमाओ। साफ हाथ में दम है। यस। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। चली 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 सेहत की हवा, चली चली मुफ्त होगा इलाज, मिलेगी दवा, बीमार न रहेगा बलात्कार, बीमारी का होगा मुफ्त उपचार। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 50 करोड़ से अधिक लोगों को गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए किसी भी सरकारी और सूचीबद्ध निजी अस्पताल में मुफ्त स्वास्थ्य सुविधा मिलेगी और प्रति वर्ष प्रति परिवार को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य लाभ। अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1-4555 या 1800-111-565 पर कॉल करें। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, संकल्प भारत को आयुष्मान बनाने का। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। केरल के शबरीमला में प्रसिद्ध अयप्पा मंदिर आज शाम 5 बजे खुलेगा। इलाके में तनाव बना हुआ है। पुलिस ने सवेरे से पत्तनमतिट्टा के निलक्कल में प्रदर्शनकारियों को हटाना शुरू कर दिया है। ये प्रदर्शनकारी मंदिर में हर उम्र की महिलाओं के प्रवेश की अनुमति देने के उच्चतम न्यायालय के हाल के फैसले का विरोध कर रहे हैं। पुलिस ने धरने पर बैठे प्रदर्शनकारियों को भी खदेड़ दिया है। पंबा और निलक्कल इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। महिला पुलिसकर्मियों सहित 1000 से अधिक पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। शबरीमला संरक्षण समिति ने शीर्ष न्यायालय के फैसले को लागू करने के राज्य सरकार के फैसले के विरोध में 24 घंटे की हड़ताल का आह्वान किया है। उधर केरल पुलिस प्रमुख लोकनाथ बेहड़ा ने कहा है कि किसी भी व्यक्ति को मंदिर में प्रवेश करने से रोका नहीं जाएगा। देवास में मंत्री कड़कमपल्ली सुरेंद्रन ने अधिकारियों के साथ बैठक कर स्थिति की समीक्षा की। उत्तरी आयरलैंड की एन्ना बर्न्स को उनके उपन्यास मिल्कमैन के लिए मैन बुकर पुरस्कार दिया जाएगा। वर्ष 2013 के बाद ये पुरस्कार जीतने वाली वे पहली महिला लेखक हैं। मिल्कमैन उपन्यास में उत्तरी आयरलैंड में 30 वर्ष की जातीय हिंसा की कहानी एक युवती की जुबानी है। उपन्यास में मध्यम वर्ग की एक नर्स की संघर्ष चित्रित किया गया है, जो अफवाहों, सामाजिक और राजनीतिक दबावों से जूझती है। ब्रिटेन के इस प्रतिष्ठित वार्षिक पुरस्कार के चयनकर्ताओं ने सुश्री बर्न्स के इस उपन्यास को अति विशिष्ट बताया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
भाई सुनो, अपने शहर को 7-स्टार बनाना है। मतलब? आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने हर शहर के लिए 7-स्टार प्रोग्राम का नियोजन किया है और इसके अंतर्गत कुछ शर्तें हैं जिसके बिना पर हर शहर को स्टार मिलेंगे। ये शर्तें हैं: घर घर से कूड़ा इकट्ठा होना, गीले सूखे कचरे को अलग करना, सफाई, कचरे का वैज्ञानिक उपचार, प्लास्टिक का कचरा प्रबंधन आदि। पर हाँ, यदि आपके यहाँ खुले में शौच हुई तो 3 या उससे ऊपर स्टार नहीं मिलेंगे। तो अब शहर को स्वच्छता की ओर ले जाओ और अपने शहर की स्टार रेटिंग हर साल बढ़ाओ। आओ अब जिम्मेदार बने और अपने शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 की रैंकिंग में सबसे ऊपर ले जाए। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। जन्म से लेकर 5 साल तक की उम्र के बच्चों को 7 बार टीकाकरण के लिए लेकर जाना है। 7 बार में से एक भी छूटना नहीं चाहिए, ये जिम्मेदारी हम सबकी है। ये जो बीच के टीके भूल जाते हैं ना, ये देखिए अच्छी बात नहीं है। सारे टीके समय से लगेंगे, तभी जानलेवा बीमारियों से बच्चों को सुरक्षा मिलेगी। 5 साल 7 बार, छूटे ना टीका एक भी बार। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। मुबारक हो, बुआ बन गई। कितनी प्यारी बच्ची है। इसकी नाल तो बिल्कुल सूखी है। कुछ सेल वेल लगाओ, नहलाया कि नहीं बच्ची को? डॉक्टर नी जी, अब आप ही समझाइए। बिल्कुल, बच्चे को 24 घंटे तक नहलाना नहीं चाहिए, ठंड लग सकती है उसे। और नाल पर तेल, घी, हल्दी वगैरह कुछ भी नहीं लगाना चाहिए, इससे इन्फेक्शन हो सकता है। नाल को साफ सूखा रखिए, वो अपने आप ही सूखकर गिर जाएगी। शिशु स्वस्थ सालों साल, जब हो सही देखभाल। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। ये आकाशवाणी है। भारत के प्रवीण चित्रावल ने ट्रिपल जंप में कांस्य पदक जीतकर युवा ओलंपिक खेलों में भारत को एथलेटिक मुकाबलों में 2रा पदक दिलाया। अर्जेंटीना के ब्यूनस आयरस में कल प्रवीण ने कुल 31.52 मीटर कूद लगाकर 3रा स्थान प्राप्त किया। स्वर्ण पदक क्यूबा ने और रजत पदक नाइजीरिया ने जीता। भारत अब तक कुल 12 पदक जीत चुका है, जिनमें 3 स्वर्ण, 8 रजत और 1 कांस्य पदक हैं। पदक तालिका में उसका 14वां स्थान है। भारतीय नौसेना में नए शामिल हुए पनडुब्बी बचाव वाहन DSRV के सफल परीक्षण किए गए हैं। नौसेना की विज्ञप्ति के अनुसार पश्चिमी नौसेना कमान ने 300 फुट से ज्यादा की गहराई में DSRV का परीक्षण किया और फंसी हुई पनडुब्बी में से नौसेना कर्मियों को बचाव वाहन में लाया गया। इस वाहन को 3 सदस्यों का दल संचालित करता है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। DSRV की मदद से एक बार में 14 कर्मियों को बचाया जा सकता है। DSRV की इस बचाव क्षमता ने भारतीय नौसेना को महत्वपूर्ण क्षमता प्रदान की है। भारतीय नौसेना के इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि DSRV चालक दल ने 750 मीटर से अधिक की गहराई पर ROV यानी कि दुरुस्त रूप से संचालित वाहन का संचालन किया और 650 मीटर से अधिक गहराई पर सोनार स्कैन किया। सोनाली के साथ मैं कुणाल शिंदे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। हिसार की एक अदालत ने हरियाणा के सतलोक आश्रम के मुखिया रामपाल को हत्या के एक और मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई है। रामपाल 2006 में एक महिला अनुयायी की हत्या का दोषी पाया गया है। इस मामले में उसके 14 समर्थकों को भी उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। कल भी रामपाल को 2014 में 4 महिलाओं और एक बच्चे की हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व के प्रसिद्ध गायकों के स्वर में महात्मा गांधी के प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए का वीडियो साझा कर रहे हैं। श्री मोदी ने कल शाम एक ट्वीट संदेश में चीन, कनाडा, कैमरून, हंगरी और ब्रुनेई के गायक कलाकारों के गाए इस भजन का वीडियो साझा किया। ये वीडियो हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in और ट्विटर हैंडल AIR News Alerts पर भी देखे जा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नमो ऐप के जरिए होशंगाबाद, चतरा, पाली, गाजीपुर और उत्तरी मुंबई के भारतीय जनता पार्टी बूथ कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे। ये बातचीत मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के तहत होगी। नवरात्र के 8वें दिन महाअष्टमी आज देशभर में मनाई जा रही है। आज बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिरों में महागौरी की पूजा अर्चना कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। एक ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने कहा कि मां दुर्गा सभी लोगों के जीवन में खुशियां लाए और समाज से बुराई का अंत हो। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 3 आतंकवादी मारे गए हैं, 1 पुलिसकर्मी शहीद हो गए हैं। बिहार में मुजफ्फरपुर के बालिका आश्रय गृह में यौन शोषण के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है।
उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू बेल्जियम में एशिया यूरोप शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए ब्रसल्स रवाना हो गए हैं। केरल में शबरीमला मंदिर में प्रत्येक उम्र की महिलाओं के प्रवेश के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। आयरलैंड की अन्ना बर्न्स को उनके उपन्यास मिल्कमैन के लिए 2018 का मैन बुकर पुरस्कार दिया जाएगा। और खेलों में भारतीय एथलीट प्रवीण चित्रावल ने अर्जेंटीना में समर यूथ ओलंपिक में ट्रिपल जंप में कांस्य पदक जीत लिया है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।